हेलो देयर टी रोस्टर हियर। सो बहुत सारे नोटिफिकेशन देख लिए मैंने, ब्लैक मिथ वुकोंग बनाओ, लाल बंदर की गेम बनाओ, बट उससे पहले मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि आखिर किस चिड़िया का नाम है ये ब्लैक मिथ वुकोंग, आई मीन किस बंदर का। और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, बाप रे बाप क्या खतरनाक गेम है। इसके ग्राफिक्स एंड वीएफएक्स, स्टोरी लाइन सब मामले में गेम तगड़ा है। अब मैंने सोचा मुझे भी खेलना ये गेम, बट जैसे ट्रेलर देख के आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे, वैसे ही इसका शुल्क मात्र 3599 देख के आंखों से खून निकलने लगा था। ये ले तेरा गेम और ये तेरा गेमिंग एक्सपीरियंस, माँ का भोपड़ा नहीं खाना। क्या करूँ यार, नहीं है इतने पैसे, गरीब हूँ मैं। मैंने तो अभी तक मेरे दोस्त का कमला गेम भी नहीं खरीदा, वो तो सिर्फ 300 रुपए का है। लगता है उसको पता चल गया, अब अंडरग्राउंड होना पड़ेगा मेरे को। गए यार मेरे 300, अब लेना ही पड़ेगा। सो गेम की प्राइस को मद्देनजर रखते हुए हम बनाएंगे ब्लैक मिथ वुकोंग, वो भी मोबाइल के लिए। सो हर बार की तरह मैंने यूनिटी प्रोजेक्ट बनाया, बट इस बार हम यूज करेंगे यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन URP, क्योंकि ये ज्यादा ऑप्टिमाइज रहता है मोबाइल गेम्स के लिए, और इसमें हमें इनबिल्ट पोस्ट प्रोसेसिंग मिलती है, तो हमें फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गेम के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए था वुकोंग भाई का कैरेक्टर, जो मुझे लगा स्केच फैब से मिल जाएगा, बट किसी ने सिर्फ मॉडल अपलोड किया था बिना टेक्चर के, बट इस मॉडल में सारे एनिमेशन थे, और इसी मॉडल को मैंने हाउ टू मेक गेम्स भाई के वीडियो में भी देखा था, तो मैंने उनसे ले लिया। तो मैं इस मॉडल को यूनिटी सीन में ऐड कर लिया और यूनिटी एसेट स्टोर से थर्ड पर्सन कंट्रोलर का फ्री पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब इस पैकेज की हेल्प से मुझे बस कैरेक्टर स्वाइप करना था, बाकी सब मैकेनिक्स इसमें है। अब मैंने इसमें कैरेक्टर को अटैक देने के लिए कॉम्बैट सिस्टम का यूज किया है। इससे 3-4 एनिमेशन रैंडमली प्ले होंगे 1 सेकंड के कूलडाउन के बाद। सन वुकोंग गेम बेस से मंकी किंग कैरेक्टर पे, और मुझे जितना पता है मंकी किंग के पास एक एबिलिटी होती है खुद को किसी भी चीज में कन्वर्ट करने की, तो मैं अपने बंदर को कन्वर्ट करूंगा 3 कैरेक्टर में। पहला है ये मेंढक, दूसरा ये स्टैचू एंड देन फोनिक्स बर्ड। तो इनके लिए मैंने 30 सेकंड का कूलडाउन रखा है, उसके बाद कैरेक्टर अपने ओरिजिनल अवेटर में आ जाएगा। तो अब बारी थी मैप बनाने की, तो मैप के लिए मैंने टेरेन बनाया और टेरेन टूल के पैकेज की हेल्प से टेरेन ड्रॉ किए और स्केचवेब से कुछ चाइनीज हाउस के मॉडल डाउनलोड किए और टेरेन पे प्लेस कर दिए। अब लाइट को बेक कर दिया फॉर ऑप्टिमाइजेशन, इससे मोबाइल डिवाइस में गेम स्मूथ चलेगा। अब बारी थी गेम में एनिमीज ऐड करने की, तो ओरिजिनल गेम में बहुत सारे एनिमीज है जो हर एक लेवल पे मिलते हैं, और कुछ बॉट्स होते हैं जो प्लेयर की हेल्थ करने में काम करते। बॉट्स के लिए मैंने मिक्सजेमो से एक मॉडल इंपोर्ट कर लिया और स्टेट मशीन बिहेवियर की हेल्प से मैंने बॉट्स को 3 स्टेट्स में स्क्रिप्टिंग किए, पेट्रोल, चेस एंड अटैक। बाय द वे एक जायंट एनिमी मैंने गेम में डाला है जस्ट लुक बढ़ाने के लिए, बट अगर इस वीडियो को 1000 likes आ गए तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बॉस एनिमी बनाएंगे। अब गेम के लिए मुझे कुछ चाइनीज SFX और BGM चाहिए थी, तो एसेट स्टोर से और यूट्यूब से डाउनलोड कर दिया। अब गेम के लिए एक मेन्यू सीन बनाया और मेन्यू सीन में सेटिंग ऑप्शन एंड लोडिंग पैनल UI ऐड किया और बाकी सारी बेसिक चीजें भी ऐड कर दी। अब गेम इनकम्प्लीट होके भी कम्प्लीट है, जाके डाउनलोड करो और अपना डाटा वेस्ट करो। अब मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सरला में नाइटमेयर मोड ऐड करो, नेक्स्ट वीडियो हम सरला का बनाएंगे और वो फाइनल होगा, और शायद नेक्स्ट वीडियो से पहले हमारे 10K सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।